कि जब साबिका रुकने पार्लियामेंट गुलबर्गा को आए थे इलेक्शन हार के पहली मतलब आए थे, इलेक्शन हारने के बाद पहली मतलब आए थे, हाँ दो साल के बाद आए, हम तो उस दो साल में 10 मतलब आ गए आए थे, आए तो जुलूस की शक्ल में आए ना, तो भाई क्या ना आप मिला होगा जुलूस सलाह करो ना आप मिला का उन्होंने जुलूस में आ सकते तो हम जुलूस नहीं निकाल सकते। जब खड़गे साहब का जुलूस निकल सकता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस नहीं निकल सकता। जब जुलूस निकल सकता है खड़गे साहब का तो अभिला बोलने को जुलूस सलाम करूंगा, उनको भी कोविड के गाइडलाइंस है हमारे भी तो हम भी निकाल दो। अब इसके बाद बोलेंगे देखो वहां के भड़काओ बात करते चले, भड़काओ बात क्या कर लो, उनका जुलूस निकला नहीं निकला खड़गे साहब का निकला ना, ये भी दुआ ये भी दुआ भाई, ये तो सारी कायनात को आजादी मिली उस दिन, शैतान भागा कूद के आप ही देखे। तो ये चीज है, ये जब सच्चाई को बयान किया जाता है तो इनको तकलीफ हो जाती है, लोग क्यों आए गए क्यों यहाँ पे, अच्छा मैं जहां कहीं भी भारत के कोने में जाता हूं यहाँ क्यों आए लोग, अरे ऐसा बोलते जैसा कि मैं किसी के वाले किसी के दूर का दावा हूं यहाँ क्यों आए वहां जाता था, अरे उत्तर प्रदेश को यहाँ क्यों आए हो, आप झारखंड के यहाँ क्यों आए हो, बिहार के यहाँ क्यों आए हो, भाई साहब पूरा मुल्क हमारे बाप का है कहीं भी जा सकते हो। अब इसका भी जवाब इसलिए है क्योंकि सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है, फादरलैंड है सावरकर हमारा, ये कैसा है हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहि सलाम दुनिया में आए तो पहला आता दुनिया रखे अब्बा की जमीन में बेटे का नहीं तो दूसरा बनना पड़े फादरलैंड नहीं है, कहां मिले यहां क्यों आते हैं, बैठो ना कोल सिटी में हैदराबाद के, अरे भाई वहां बैठने बेचैनी होती बैठा तुम्हें एक जगह नहीं बैठ सकता, मेरे को तकलीफ होती है, मेरे को जब देखता हूं सुनता हूं कोशिश करता हूं मेरा था, ये हमारे तमाम साथी हैं क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इंडिया साइड से ले रहा हूं भाई को दे रहा हूं, अल्लाह जानता है क्या, सिर्फ एक तरफ है एक जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज हो, गरीब मजलूम आवाम की मुसलमानों की आवाज होना एक ताकत निकला हमारे वोट की वैल्यू होना हमारे मसाइल हल होना, यही तकलीफ है जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका है तरफ है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए, यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। वाखर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।